हेलो एवरीवन, दिस इज मी सुधा गुप्ता। वेलकम बैक टू माय चैनल। ये होगा मेरा सेकंड व्लॉग आज। मैंने सोचा था कि मैं डेली व्लॉगिंग ऐसे करूंगी, बट वो हो नहीं पाया बिकॉज ऑफ सम रीजंस। बट आई एम टेकिंग इट स्लो, वन स्टेप एट अ टाइम। तो आज है तीज और कुछ घर में करने को था नहीं। संडे है, सब फ्री हैं, तो मैं अपनी फैमिली के साथ जा रही हूँ मॉल ऑफ इंडिया, होपफुली वही वाला मॉल, नोएडा वाला। So I thought of taking you guys along. Let's go. क्या कपड़े पहन के जाऊँ? मेरा मन है मेरे ये वाली ड्रेस पहनने का, मैंने बहुत टाइम से नहीं पहनी है। But मैं हमेशा ड्रेस में कम्फर्टेबल नहीं रह पाती। तो एट द एंड मैं अपने कोई भी नॉर्मल बेसिक टॉप, कोई शर्ट और जीन्स के साथ ही पहनती हूँ। बट लेट्स सी। मैं अपनी नॉर्मल जीन्स पहन कर आ रही थी, बट पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने अपनी ये वाली जीन्स पहनी। और आज बहुत ही गलत दिन था ये डिसाइड करने का कि मैंने ये जीन्स पहनी। हाय एवरीवन, सो आई एम एट ज़ारा। यहाँ पे इतनी भीड़ है, थोड़ी सी भी सेल होती है लोग ऐसे आते हैं, सब लोग कभी भी सेल होती है। आई डोंट गेट माय साइज, साइज स्मॉल कभी नहीं मिलता है। दिस बैग इज सो क्यूट। लोगों को नहीं पता होगा बट पिंक इज माय फेवरेट कलर। आई लव दिस। ये भी इसे मुझे बहुत एस्थेटिक से लगते हैं ऐसे बैग, but I don't know how to style it, you know. That's cute. I literally don't understand itni July ki garmi mein who is going to wear this? Zara, seriously, it's extremely hot in Delhi. This is what we come here for, kyunki Zara mein lighting achhi hoti hai, itne sare mirrors hain, you get a lot of mirror selfies. Aana, I definitely love Zara for its blazer collection. This is like a statement blazer. Tujhe please kab liya sare ke sare? Might not suit me, but I think main ye wala zarur try karungi. Love this one. But itni garmi mein who's going to wear this blazer, right? Ye sab rough reh jayega. I'll tell you all about our secret. हम ज़ारा में आके नॉर्मल ज़ारा से शॉप नहीं करते हैं, हम ज़ारा किड से शॉप करते हैं, अगर आपको वो सेक्शन दिख रहा है, क्योंकि वहाँ पे एक्चुअली अच्छे और क्यूट कपड़े मिलते हैं। बहुत बार ऐसा होता है नॉर्मल ज़ारा विम सेक्शन में हमारा साइज नहीं मिलता, सेल में या फिर कुछ भी होता है, बट किड सेक्शन में हमेशा साइजेस अवेलेबल होते हैं। मेरे को समझ में ज़ारा ने विंटर कलेक्शन क्यों निकाला हुआ है अभी, लाइक लिटरली हुड्स हैं किड सेक्शन में भी, इतने गर्मी में कौन ये पहनेगा? I
एट द एंड हम हमेशा सॉलिड ब्लैक पे आते हैं कि हमेशा बस ये सर्दियों का है, इसमें गर्मी लगी नहीं। सॉलिड ब्लैक हर किसी पे चलता है। मेरे पास वार्डरोब में आई थिंक अभी भी, इनफैक्ट इफ यू ऑल कैन सी, मैंने ब्लैक पहना है। एक ही ऑप्शन बचता है बस, हमारा जाना आना आज आज सक्सेसफुल नहीं रहा, हम एकदम खाली हाथ जा रहे हैं। जब से खाली हाथ किसी स्टोर से निकलते हैं ऐसा लगता है कुछ ना कुछ चोरी कर रहे हैं, ऐसे बीप बीप ना कर रहे हैं। ये तो कर भी लेते हैं कभी कभी। सेकेंड फेवरेट ब्रांड इज कवर स्टोरी, जहाँ से फिर भी थोड़ा बहुत सही मिलते हैं कपड़ा। अभी जो मैंने ये टॉप पहन रखा है ये भी कवर स्टोरी का ही है, और कवर स्टोरी देखते हैं यहाँ पे कुछ मिलता है फिटिंग। लेट्स गो। यहाँ पे तो मुझे एक ब्लेजर दिख गया, मुझे लिटरली समझ नहीं आ रहा किसे ठंड लग रही है, 40 डिग्री में किसे ठंड लग रही है। फिर से इतना मोटा कपड़ा है, ये पहन ही नहीं सकते इतनी गर्मियों में। लाइक ऑलरेडी आई एम स्वेटिंग क्योंकि मैंने फुल स्लीव्स पहन लिया है, ऑल्दो एसी चला हुआ है, सब कुछ है। ये भी अच्छा है, क्यूट है, बट आज मैं इतनी क्लम्जी हूँ, मैं इसको कुछ ना कुछ जरूर गिराऊंगा, गंदा हो जाएगा। राइट, वाओ, मुझे डेनिम बहुत अच्छा लगता है। मेरा फेवरेट, अगर मैं एयरपोर्ट लुक या फिर कैसे भी लुक करना चाहती हूँ, आई लव डेनिम ऑन डेनिम। अच्छा ही क्यूट है। मैं सिर्फ दो शॉप्स घूम कर ही थक गई हूँ, तो हम बैठ गए हैं कोल्ड कॉफी या फिर आइस टी पीने। मेरे पिक्चर फूट लग रहा है, पर मैं कुछ ले नहीं सकती क्योंकि मेरी मम्मी लिटरली या तो मुझे घर से निकालेंगी या मुझे बहुत मारेंगी। देखो मेरी मम्मी घर से निकाल देंगे अगर मैंने एक और कुशन लिया, क्योंकि मेरे रूम में एक अलमीरा है जिसमें सिर्फ मेरे कुशन भरे हुए हैं। अब मैं और एक भी नहीं ले सकती हूँ वरना मैं घर से बाहर निकलूंगी। थक गई, होम सेंटर में इसलिए भी आते हैं सोफा चेक कर, अब हम थक गए। तो गाइस अब मैं ये वाला व्लॉग यहीं ख़त्म कर रही हूँ, आई मीन लाइक मॉल वाला। इसके बाद मैं मिलूंगी आप सबको घर में। अगर मैंने कुछ लिया तो आई डू अ मिनी हॉल टाइप, बट आई डोंट थिंक सो मैं कुछ लूँगी क्योंकि कुछ मिल नहीं रहा। बाय चांस अगर मैंने कुछ होम डेकोर समथिंग लिया सेंटर से, सो आई लेट यू ऑल नो। अब मिलते हैं घर में। तो गाइस मैं वापस आ चुकी हूँ घर पे और अब मैं काफ़ी थक गई हूँ ना, कुछ पेंडिंग काम है जो मुझे करना है, थोड़े ब्रांड्स की रील्स शूट करनी थी, उनकी स्टोरीज डालनी है, बस। तो अब मैं अपना काम करूँगी, पहले तो बेड पे लेटूँगी, काफ़ी थक गई। इतने कम टाइम में तो ज़्यादा थक जाते हैं। Like this present, do you want this? You do? Okay. This is cute. Courtney got this for me.
हाय गाइस, तो अब मैं वापस आई हूँ अपने रूम में, कपड़े चेंज करके नाइट सूट में आई हूँ, पूरा मेकअप वेकअप हटा के, रील्स बना के जो मुझे कुछ बनानी थी रात में, और अब मैं आई हूँ बेड पे पूरी फ्री होके। अब मैं बस सोने की तैयारी कर रही हूँ। मैंने अपने कल का पूरा दिन प्लान कर लिया, कल मुझे क्या क्या करना है। मैंने एक टू डू लिस्ट बनाई है, बिकॉज ऐसा होता है बहुत बार मैं सामान या फिर कुछ भी काम ऐसे भूल जाती हूँ जो मुझे करना होता है। तो ये मैंने एक हैबिट डेवलप करी है जो बहुत अच्छी है एक्चुअली, दैट इज़ यू नो टू मेक माई टू डू लिस्ट फॉर द थिंग्स दैट आई हैव टू डू टुमारो। तो मैंने वो सब करा है, बेड वेड पूरा साफ करके, रूम साफ करके, अपना लैपटॉप यहाँ पे रख लिया है, बस मैं कोई भी सीरीज देखते देखते सोने वाली हूँ क्योंकि मैं एक्सट्रीम थक गई हूँ। सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट व्लॉग। वो मैं होपफुली जल्दी शूट करूँगी, जल्दी पोस्ट करूँगी। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। बाय।